ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुंबई के प्रवासी राजस्थानी समाज में सर्दियों का ये खुशनुमा मौसम बड़ा ही खास होता है, क्योंकि इस मौसम में प्रवासियों के स्नेह सम्मेलन बड़ी संख्या में आयोजित होते हैं। इसके साथ ही जगह जगह क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित हो रही है। प्रातःकाल लाइव की इस खास पेशकश में हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी ने अपनी टीम के सीनियर जर्नलिस्ट मनीष पालीवाल से बात की। आइए देखते हैं क्या कुछ है खास रिपोर्ट में। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में मैं अलमास सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वक्त हमारे साथ प्रातःकाल लाइव परिवार के सीनियर जर्नलिस्ट मनीष पालीवाल जी मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि खबरों में क्या खास चल रहा है। मनीष जी, धन्यवाद। अलमास जी, राजस्थानी समाज उत्सव धर्मी समाज है जी। जीवन के हर मोड़ पर चाहे खुशी हो या गम, खुशियां राजस्थानी समाज ढूंढी लेता है और इन दिनों स्नेह सम्मेलनों की धूम मची हुई जी। पिछले महीने नवंबर फर्स्ट वीक से ही मुंबई में विभिन्न समाजों के, विभिन्न गांवों के, विभिन्न शहरों के स्नेह सम्मेलन हो रहे हैं। जहाँ तक आज के अखबार की बात करें तो आज भी हमारे अखबार में पेज नंबर 5 पर चंदेसरा केलवा और आसिंद गांव की खबरें प्रमुख तौर पर प्रकाशित की गई हैं। 24 तारीख के बाद 24 दिसंबर से कंटिन्यू एक स्नेह सम्मेलनों का दौर शुरू होगा जो फरवरी एंड तक चलेगा जी। मनीष जी, जो स्नेह सम्मेलन आपने बताया, इसका जो सिलसिला है वो कब शुरू किया गया? देखिए, ऐसा है कि स्नेह सम्मेलन का मतलब होता है दो पक्ष, दो व्यक्ति, दो परिवार या गांव के लोग आपस में मिले जी। मुंबई में जब मजदूरी करने के लिए लोग तकरीबन 100 वर्ष पूर्व, जहाँ तक मारवाड़ी समाज का इतिहास है वो 200 वर्षों का इतिहास है मुंबई में, और मेवाड़ की बात करें तो 19वीं शताब्दी के फर्स्ट फेज में ही यहाँ लोग आना शुरू हो गए थे। तो लोग जब यहाँ आए, शुरू में लोगों का ठिकाना रहा दक्षिण मुंबई, लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते थे तो महीने में एक बार वो मिलते थे, साथ में दाल बाटी चूरमा या लापसी, इस तरीके के व्यंजन बनते थे और वो एक सिलसिला शुरू हुआ। जैसे जैसे समृद्धि आती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई, गांव के, जैसे समझ लीजिए किसी गांव से, किसी जिले के गांव से कोई लोग आए और उसी गांव के 10 से 15 परिवार जब यहां हो गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम परिवार के साथ मिलकर इस तरीके का आयोजन करें, राजस्थान को, मतलब मुंबई को भी राजस्थान बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सिलसिला था, शुरुआत में दक्षिण मुंबई क्षेत्र में मंदिरों वगैरह में स्नेह सम्मेलन आयोजित होते थे जी, छोटी छोटी वाड़ियों में स्नेह सम्मेलन आयोजित होते थे। फिर धीरे धीरे लोग जब उपनगरों में आकर बसने लगे, उपनगरों में डेवलपमेंट होने लगा, तो लोगों ने यहाँ से निकलकर रिसोर्ट या बड़ी बड़ी जगहों पर जाना शुरू किया और आज जो स्नेह सम्मेलन का स्वरूप है वो किसी शादी ब्याह से कम नहीं होता जी। अभी जैसे कि ये सम्मेलन चल रहा है तो आजकल माहौल कैसा है रिसोर्ट वगैरह बुकिंग का? देखिए, आपको क्या बताएं, आजकल तो एक ज़माने में 100 रुपये प्लेट की थाली लोग खाते थे या वो बनवाते थे, लेकिन आज ये सिलसिला चल पड़ा है कि हर आदमी प्रायोजक बनने के लिए अग्रिम तौर पर अपने गांव के स्नेह सम्मेलन में प्रायोजक बनते हैं। कहीं कहीं तो 10-10 वर्षों की बुकिंग है, लोग कहते हैं कि इस वर्ष मैं करूँगा। और ये सिलसिला गाँव को बहुत मजबूती से जोड़े रखता है। और ये जो स्नेह सम्मेलन यहाँ होते हैं जी, अलमाशी स्नेह सम्मेलनों में खास तौर पे एक बात ही होती है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके शादी ब्याह में बहुत तकलीफ आ रही है, लेकिन जब स्नेह सम्मेलनों में दो परिवार मिलते हैं, दो अलग अलग गोत्रों के लोग मिलते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी रिश्ते भी तय हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है जी। मनीष जी, आप कई सालों से इस सम्मेलन को कवर करते आ रहे हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, तो आप मुझे अच्छे से बताइए कि इस सम्मेलन में होता क्या है? सम्मेलन तो सम्मेलन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जहाँ तक इसकी शुरुआत की बात देखी जाए तो एक जिस तरीके इस परिवार में एक शादी का माहौल होता है, वैसे ही किसी गांव के स्नेह सम्मेलन में 1-1.5 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग मिलते हैं, व्हाट्सएप पर बातचीत चलती हैं, टेलीफोन पर बात होती हैं, पहले मीटिंगें होती हैं, गाँव के लोग मिलते हैं, स्थान तय करते हैं, मेन्यू तय करते हैं,
और एरिया वाइज लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि इस क्षेत्र की बस आप लेकर आएंगे, उस क्षेत्र की बस आप लेकर आएंगे, भोजन की व्यवस्था आप देखेंगे, मंच की व्यवस्था आप देखेंगे, यानी पूरा प्लान पहले डिसाइड हो जाता है जी। फिर बारी आती है स्नेह सम्मेलन के दिन की। उस दिन तमाम लोग सज धज कर पूरी तैयारी के साथ अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद होते हैं और बसों में भर कर निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर गेट पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका तिलक और साफा पहनाकर सम्मान किया जाता है और फिर उनकी एंट्री होती है जी। उनको ये लगता है कि हम महानगर में नहीं, शायद हमारे गांव में पहुंच गए, राजस्थान। हाँ, सबसे पहले शानदार लजीज या जैसी भी व्यवस्था होती है नाश्ता किया जाता है जी। नाश्ते के बाद बच्चे स्विमिंग पूल की ओर बढ़ जाते हैं, बड़े लोग खेल कूद की ओर बढ़ जाते हैं, महिलाएं अंतराक्षी और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के लिए आगे बढ़ जाती है। ये सिलसिला समझ लीजिए कि 12 बजे तक चलता है जी। फिर पहले फेज में खाना होता है, लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक होता है, उसके बाद मुख्य कार्यक्रम शुरू होता है। वो कार्यक्रम होता है मंची, गांव के विकास पर चर्चा होती है, जिन्होंने तपस्याएं की उनका सम्मान होता है, समाज के या गांव के प्रतिभावान बच्चों का अभिनंदन होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है वहाँ। और उसके बाद जो वर्तमान कार्यकारिणी होती हैं वो अपना पद छोड़ती है और नए इच्छुक लोग या जागृत लोग जो अच्छा काम करने की चाहत या इच्छा रखते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो मनाव के माध्यम से होती है, उसमें कोई वोटिंग नहीं होती है। लोग बहुत सारे हो सकते हैं वहाँ पर, लेकिन मनाव यानी कि कोई भी व्यक्ति चुन लिया जाता है और उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, वो अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं और उसी दिन अगले साल के लिए वापिस नए सम्मेलन के प्रायोजकों की घोषणा हो जाती है। लोग कहते हैं कि अगले वर्ष का खाना मेरी तरफ से है, बस मेरी तरफ से है, या जो भी व्यवस्थाएं होती है। और ये तमाम चीजें होने के बाद खास तौर पर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में या अपने क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी क्या जरूरत है, उस चीज को खास तौर पर नोट डाउन किया जाता है। क्योंकि इन स्नेह सम्मेलनों के बाद ठीक 1 से 2 महीने के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं, तो लोग अपने गांव जाते हैं। उस स्नेह सम्मेलन में जो चीज डिसाइड होती है, जो भी अगला प्रोजेक्ट, जैसे गांव में कहीं प्याऊ बनवानी है या समाज के नोरे का काम करवाना है या गरीब बस्ती में शादी ब्याह करवाने हैं, तो यहाँ जो डिसाइड होता है वो सिलसिला गर्मियों की छुट्टियों तक आगे आगे चलता रहता है। ये तमाम चीजें होने के बाद लोग पूरी मस्ती से वापस लौटते हैं और इस माया नगरी के दलदल में वापस खो जाते हैं। यहाँ के राजस्थानी लोग इस स्नेह सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। पूरे साल में वो एक दिन ऐसा होता है जब व्यक्ति पूर्ण चिंताओं से मुक्त होकर जीवन का आनंद लेता है उन लोगों के साथ जिनके साथ उसने बचपन बिताया जी। मनीष जी, तो आपने इस स्नेह सम्मेलन के बारे में मुझे विस्तार से बताया जो मुझे पता नहीं थी। तो अब इसके अलावा मतलब राजस्थानी समाज जो किस चीज में हिस्सा ले रहा है? मैं उसी तरफ बढ़ता हूँ जहाँ से हमारी बात चल रही थी जी। पिछले 10 वर्षों में एक ऐसा नया कल्चर देखने को मिला कि हमारे दीपावली की छुट्टियों में बहुत सारे लोग विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं। तो विदेश में अक्सर युवा वर्ग ज्यादा जाता है जी। बीच में कोरोना था, कोरोना की वजह से स्नेह सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाए जी। तो पहले फेज में 2021 के बाद क्रिकेट प्रतियोगिताएं सबसे ज्यादा संख्या में हुई जी। क्योंकि पाबंदियां थी सरकार की कि एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो एक तरीके से ये कल्चर जो था स्नेह सम्मेलन का धीरे धीरे थोड़ा खत्म सा हो गया। लेकिन युवा वर्ग ने इसको एक बहुत बड़ी गति दी जी। आज जो है स्नेह सम्मेलन के साथ साथ उसके 2 दिन पूर्व या सेम डे क्रिकेट की प्रतियोगिता भी होती है जी। जिसमें युवा बड़े बढ़ चढ़ कर जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेते हैं। और खास बात तो ये है कि ये जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती है ये IPL की तर्ज पर होती है, उसकी बड़ी तैयारियां होती हैं, टीमें खरीदी जाती हैं, खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, और मतलब उसकी जो लॉन्चिंग वगैरह होती है वो भी किसी कॉर्पोरेट ढंग से इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये खेल एक्टिविटीज की ओर भी बढ़े हैं जी। मनीष जी, आपने स्नेह सम्मेलन और क्रिकेट के बारे में काफी जानकारी दी, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस
क्रिकेट और जो स्नेह सम्मेलन है उसमें क्या डेवलपमेंट आया? देखिए, गतिशील संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमेशा नई नई होती हैं, और स्नेह सम्मेलनों का, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आज से 100 वर्ष पूर्व या 150 वर्ष पूर्व एक छोटी छोटी खोलियों के माध्यम से इनकी शुरुआत हुई थी, 5 लोगों के माध्यम से जी। आज जो ये स्वरूप आया, इसमें प्रमुख रूप से जो स्नेह सम्मेलन बाहर होते हैं उसमें, जैसे कि किसी भी गांव का स्नेह सम्मेलन है, तो उनकी जो बेटी हैं जिनकी शादियां अलग अलग जगहों पर हुई, बेटी और दामाद को भी स्नेह सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है जी। गोत्र वाइज भी आजकल स्नेह सम्मेलन होते हैं, एक ही गोत्र के लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो किसी भी जिले के हों, किसी भी राज्य के हों, ये भी एक प्रमुख तौर पर होता है। और एक बात बड़ी खास मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्नेह सम्मेलन महानगर से निकलकर अपने गांव की ओर बढ़े हैं। ये कल्चर तकरीबन 5 साल से मैं देखने को मिल रहा है कि आजकल लोग पूरी तैयारी के साथ अपने गांव जाते हैं और अपने गांव में 3 से 4 दिन तक स्नेह सम्मेलन आयोजित करते हैं। हाल ही में आज ही हमारे अखबार में खबर है, भीलमाल जो राजस्थान का सबसे धनाढ्य लोगों का कस्बा है, वहाँ 5 दिवसीय स्नेह सम्मेलन हो रहा है। उसके अंदर भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोग वहाँ 5 दिनों तक आएंगे, गांव के डेवलपमेंट के लिए बातचीत करेंगे और उस शहर को खूबसूरत और अच्छा कैसे बनाया जाए, ये उनका मुख्य ध्येय है। ये राजस्थान के प्रवासी समाज के इतिहास में सबसे बड़ा स्नेह सम्मेलन है जो 5 दिवसीय हो रहा है, जिसमें बहुत सारे फिल्म स्टार तक अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं जी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्नेह सम्मेलनों का दायरा बहुत बड़ा है, और वो दिन भी दूर नहीं कि जब लोग दुबई, लंदन या अमेरिका जाकर भी स्नेह सम्मेलन आयोजित करें जी। जरूर जरूर। ये थे हमारे साथ मनीष पालीवाल, और जिन्होंने स्नेह सम्मेलन से लेकर क्रिकेट तक इन सभी बातों पर प्रकाश डाला। इसी तरह के प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।